हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ देखिए अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, और इसका आपका सेशन है 2023-24, मतलब बस 2023-24 सेशन के लिए आपका एक्ट अप्रेंटिस के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आज 12 सितंबर को 2023। तो इसका फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 27/9/2023 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लास्ट डेट मतलब क्लोजिंग डेट है 26/10/2023। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं ईस्टर्न रेलवे में तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, मतलब यहाँ पर आपको अप्रेंटिस करने हेतु ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, मतलब कहाँ पर कितने वैकेंसीज दिया गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाइए हावड़ा डिवीजन में। हावड़ा डिवीजन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वैकेंसी चार्ट है, मतलब किस ट्रेड में कितने पोस्ट्स हैं, और आपका हावड़ा में टोटल 659 टोटल पोस्ट है। जैसे कि फीटर में आपका 281, इसके बाद आपका वेल्डर फीटर होगा 281, वेल्डर 61, इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपका खाली 9 सीट है, मैकेनिक डीजल में 17, मैशिनिस्ट में 9, कारपेंटर में 9, पेंटर में 9। दोस्तों बता दें कि ग्रुप डी में आने वाली वैकेंसी में आपका पेंटर और कारपेंटर का जो आपका पोस्ट रहता है वो ना भी आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आपका लाइनमैन जनरल, इसकी भी वैकेंसी आपके पास फ्रेंड्स 9 है, वायरमैन की भी 9 है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नीचे, वायरमैन की आपका टोटल वैकेंसी 9 है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 17, इलेक्ट्रिशियन की 220 और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 9। 659 टोटल वैकेंसी से लीलुआ में आए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 612 टोटल फीटर मैशिनिस्ट टर्नर वेल्डर पेंटर जनरल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन 612 पोस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स सियालदा में आपका आ जाइए, सियालदा में आपको 440 टोटल पोस्ट है, देख सकते हैं फ्रेंड्स इस चार्ट को। और यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे में फ्रेंड्स एक बात है कि यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है, कि मतलब फॉर्म फिलअप करते समय प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, 3, 4, 5 ऐसा करके। आप मान ली हावड़ा, इसके बाद लीलुआ, सियालदा, कांचरापारा, ऐसे करके सभी यूनिट में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर आपका सभी यूनिट में वैकेंसी रहा तो फ्रेंड्स। तो इससे आपका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपको फर्स्ट वाला प्रेफरेंस नहीं मिलता तो सेकंड प्रेफरेंस भी आपको देखा जाता है। तो ये एक अच्छा मतलब ईस्टर्न रेलवे का अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि दूसरे जोन आपको नहीं देता फ्रेंड्स। एक ही यूनिट में आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है, और एक ही जगह अगर मतलब आपका सिलेक्शन होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो मतलब आप बाहर। तो ईस्टर्न रेलवे में आपका चांस रहता है कि किसी एक यूनिट में हो जाए फ्रेंड्स, तो सभी यूनिट आप लोग भरिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कांचरापारा में, यहाँ पर 187 वैकेंसीज है टोटल। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मालदा डिवीजन में, मालदा में आपके इलेक्ट्रिशियन रेफ्रिजरेशन एन एसी मैकेनिक फीटर वेल्डर पेंटर कारपेंटर मैकेनिक डीजल 138 वैकेंसीज है। इसके बाद फ्रेंड्स आसनसोल डिवीजन में आ जाइए, फीटर की वैकेंसी आपका 151, टर्नर में 14, वेल्डर में 96 सॉरी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन में आपका 110, मैकेनिक डीजल में 41, 412 पोस्ट टोटल। इसके बाद जमालपुर फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है, फीटर में आपका 251, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 218, मैशिनिस्ट में 47, टर्नर में 47, इलेक्ट्रीशियन में आपका 42। इलेक्ट्रीशियन में कम है फ्रेंड्स इस बार, 42 वैकेंसीज है मतलब जमालपुर में। डीजल मैकेनिक में 62 हर चल रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि रिजर्वेशन, जिन सबका रिजर्वेशन है मतलब किस ग्रुप में कितने पोस्ट, जैसे कि जनरल के लिए कितने, ओबीसी के लिए कितने, एस सी एस टी के लिए कितने, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आइए। इसके बाद बात करते हैं, आपको छूट भी मिलता है फ्रेंड इसमें ओबीसी को और एस सी एस टी को, जो 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है वो भी यहाँ पर है फ्रेंड्स। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको भरने के लिए फ्रेंड्स 10th क्लास पास होनी चाहिए, और इसके साथ फ्रेंड्स आपको ITI रिलेवेंट ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए, जो ट्रेड मांगा गया ITI में, और आपका अच्छी परसेंटेज भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, तो उसको प्रिंट आउट करा के आपको
अपने नज़दीकी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से बनवाना पड़ता है कि मैं मेडिकली फ़िट हूँ। उसका एक कागज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब आपका जमा लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में यह बताया गया है, आप लोगों का जब मेरिट में नाम आ जाएगा कॉल, उसके बाद फ्रेंड्स आपका कॉल लेटर जब आ जाएगा तब तुरंत बना लीजिएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद जाइएगा डीवी कराने। यहाँ पर बताया गया मोड ऑफ सिलेक्शन, फ्रेंड्स मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत ही आसान है। आपका 10th क्लास में जितना परसेंटेज है और प्लस आपका ITI में जितना परसेंटेज है, इन दोनों को जोड़ के फ्रेंड्स 2 से डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपका 10th में भी 90% है, ITI में भी 90% है, तो 90 90 ऐसे आपका मेरिट बनेगा फ्रेंड्स। जितना अच्छा मतलब जितना ज़्यादा आपका रहेगा परसेंटेज उतना ही बेहतरीन आपका चांस होगा सिलेक्शन का। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 4 में, कैंडिडेट्स टू द एक्सटेंट 1.5 टाइम्स नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट, जितना नोटिफाइड किया गया फ्रेंड्स उसका 1.5 मतलब 100 सीट पे फ्रेंड्स 150 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, 100 सीट पे 150 कैंडिडेट को। मतलब जो बंदे नहीं जाएंगे और जो बंदे जाएंगे, मतलब ज़्यादातर चांसेस है फ्रेंड्स, इस मरिस्टन ले थोड़ा लेट ज्वाइनिंग कराता है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जाते मेरिट में नाम आने के बाद भी। तो जो भी अगर जाएंगे, जिनका नाम आ गया और अगर वो जाएंगे तो फ्रेंड्स 100% उनका सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 1:1 की रेशियो में बनेगी, मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया गया है 100 रुपये का चार्ज लगेगा, वो सिर्फ UR, OBC और EWS वाले को, और बाकी सभी का फ्री है फ्रेंड्स। हाउ टू अप्लाई में आपका RRC ER का जो वेबसाइट है RRC का, उसमें आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर पाइएगा। आपका जब डेट आएगा 26 तारीख, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड स्कैन फोटोग्राफ, मतलब आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और ये सब फ्रेंड्स आप अपने मतलब अच्छे से खिंचवा के रखिएगा, और वही जो फ़ोटो आप देंगे यहाँ पर, तो उस फोटो को आप फीचर रेफरेंस के लिए भी रखिएगा। 10 कॉपीज़ यहाँ पर दिया गया, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो कीप 10 कॉपीज़ ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर पर्पस। 10 कॉपी तो फ्रेंड्स शायद जमा लिया जाता है, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके रखिएगा जो फ़ोटो आप डालेंगे। इसके बाद सिग्नेचर भी फ्रेंड्स बताया गया है, स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC जो है वो सब भी डालना पड़ता है फ्रेंड्स। इसके बाद PWBD जो है फिजिकली है उनको भी डालना पड़ता है, द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट एंड PWBD सर्टिफिकेट शैल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द वेबसाइट। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इनवैलिड एप्लीकेशन, बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट की नील नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद बताया जा रहा है फ्रेंड्स, हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसीज नोटिफाइड टू बी फील्ड अप इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर्ट्स वेल ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट ग्रेड पैट्रास शैल बी फील्ड अप बाय गिविंग प्रेफरेंस टू द कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस ट्रेड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाई NCVT सब्जेक्ट टू सच कैंडिडेट्स फाउंड सुटेबल इन अदर एस्पेक्ट्स एंड दे हैव टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। दे हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब रिटन में भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग GM पावर की जो डिमांड चल रही है फ्रेंड्स, GM पावर का जो डिमांड किया जा रहा है फ्रेंड्स, ये कभी भी नहीं फुलफ़िल हो सकता आने वाले फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी से होशियार रहिए और पढ़ते रहिए, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जो भी अभी कर रहे हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो उन सभी को पढ़ते रहना है। अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहना है। यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स,
इसके बाद बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स के, जैसे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, जो आपका ऑनलाइन वाला चलता है वो भी चलता है, मतलब सेंट्रल लेवल का बनवाने की कोशिश कीजिए अभी से। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होता है, यहाँ पर दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो होता है EWS का सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर लिखा रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स। इसके बाद डेट, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब वगैरह बनवा लीजिएगा फ्रेंड्स आप। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर फ्रेंड्स एक वीडियो डली हुई है पहले से, तो कैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनती है इसके बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ, मैं इस वीडियो के नीचे उसका भी लिंक डाल दूँगा फ्रेंड्स। इसको खाली प्रिंट करवाना है दोनों साइड, मतलब एक पेपर में दोनों साइड प्रिंट करवा लीजिएगा, हॉस्पिटल चले जाइएगा, एक दिन लगेगा आपका टाइम, एक चेकअप होता है हल्का फुल्का, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिख दिया जाता है और वही आपको जमा करवाना पड़ता है DV के समय फ्रेंड्स। यहाँ पर सिग्नेचर साइन वगैरह करते हैं और एक स्टैम्प मार देते हैं, स्टैम्प साइन करके स्टैम्प में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना नेसेसरी होता है, ये सबसे बड़ी बात है, एक नंबर पॉइंट, और साइन वगैरह तो करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।